नमस्कार, मैं विनीता महतो तहे दिल से आप सबों का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विनीज वर्ल्ड। यहां पे हम थोड़ा चिट चैट, थोड़ा गॉसिप, फन, फूड, एंटरटेनमेंट सभी के ऊपर चर्चा करते हैं। लेकिन जो भी मेरे फ्रेंड्स नए हो, मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हो, फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो फ्रेंड्स, आज है डे टू और हम निकल पड़े हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो है नुब्रा वैली। तो फ्रेंड्स, ले में हम लोग का जो फर्स्ट डे था उसमें मेरे बच्चे थोड़े बीमार पड़ गए, थोड़ी मैं एक्लेमेटाइज हुई। फिर नेक्स्ट डे हमने वहाँ के लोकल शॉपिंग की और फिर थर्ड डे में हम वहाँ पे लोकल जितने भी मॉनेस्ट्री थे, जो भी पैलेसेस थे और जो भी बहुत अच्छे गोम्पा थे, हम सबको हमने चेकआउट किया, बहुत अच्छी तरह से घूमा। अब आज का जो है वो है, ऐसे तो 3-4 दिन से हम हैं ही, लेकिन अगर घूमने के सेंस से अगर हम बात करें तो आज है डे टू। तो हम चल रहे हैं नुब्रा वैली में, जो बहुत बहुत अच्छा एक डेस्टिनेशन है, आई मस्ट से सबों को जाना चाहिए। और नुब्रा वैली को तो फ्रेंड्स उसे पास करने के लिए हमें जाना था खारदुंगला पास को, हमने पहले पास करना था। तो खारदुंगला पास जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जो भी वहाँ पे रोडवेज से जो भी जाते हैं, और मुझे लगता है मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा ही वो अचीवमेंट है। और मैं जब उसकी चढ़ाई को मैंने देखा नीचे से, तो पता नहीं मुझे क्या क्या फीलिंग्स होने लगे। बहुत सारे बाइकर्स, टूरिस्ट, बहुत ज़्यादा ही रश था, लेकिन यस, खारदुंगला पास जो था मेरे लिए एक बहुत बड़ा ही अचीवमेंट है शायद मेरे लाइफ में। हालांकि ड्राइविंग मैं करती नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड करते हैं, इवन दो दैट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी। तो खारदुंगला पास हम लोग कर रहे थे और इतना ज़्यादा, इसकी जो टोटल हाइट है फ्रेंड वो है 18,000 समथिंग है, जो बहुत ज़्यादा ही ऊंचाई, और जब ऊपर से देखते हैं तो लगता है आसमान हमारे साथ चल रहा है, और जब नीचे को देखते हैं तो लगता है कि साथ ही जो खाई है वो भी हमारे साथ चल रही है। ओ वाओ, ग्रेट, मैंने एक पोएट्री बना दी, नेवर माइंड। बट हाँ, पोएट्री बहुत अच्छी तो है नहीं, लेकिन हाँ, खारदुंगला पास एक बहुत बड़ा ही अचीवमेंट था मेरे लिए। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए हैं नुब्रा वैली। तो नुब्रा वैली के तो क्या ही कहने हैं फ्रेंड्स, कहीं है स्नो तो कहीं सैंड ड्यून्स तो कहीं अचानक से रेत का एक बहुत बड़ा टीला आ जाता है, और जहां रेत का टीला हो, जहां सैंड ड्यून्स हो, वहां कैमल ना हो, तो क्या ही मज़े हैं। तो फ्रेंड्स, नुब्रा वैली हमारे पूरे इंडिया में एक ऐसी यूनिक वैली है जहां पे सैंड ड्यून्स तो है ही, जब बहुत जगह सैंड ड्यून्स रहते हैं, बट इस सैंड ड्यून्स में एक खासियत यह है कि जो भी कैमल होते हैं वो डबल हम्प वाले होते हैं। तो हमने कहा अच्छा जी, और हम पहुंचे हैं और हम राइड ना करें तो फिर क्या मज़े हैं, तो हमने कहा चलो फिर हम इसके राइड भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जो देख पा रहे हो, ये जो कैमल है ये डबल हम्प है। जनरली कैमल तो बहुत सारे मिलते हैं, बट उसमें एक ही हम्प रहता है, और इसमें जो है आप जैसे देख पा रहे, एक छोटू सा कैमल का बेबी है, तो मैंने उसका भी लिया हुआ है और ऑल सेट टू गो फॉर द ड्राइव। तो इसमें हम लोगों ने भी ड्राइव किया है, बने रहिए इस वीडियो में, आगे दिखाती हूँ। Complete 49 50
चलते चलते हमारा लास्ट डेस्टिनेशन क्या रहा, कल्चर प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स इसे आप मिस मत करना। आई मस्ट हमारा टेंट, और आज की रात हम इस टेंट में ही स्पेंड करेंगे। तो एडवेंचर हो रहा है, तो बहुत ही अच्छे तरह से, पूरी तरह से एडवेंचर होना चाहिए। तो आप देख सकते हो, ये जो आप देख रहे हो, ये हमारा टेंट है, और बहुत सारी फैमिलीज है यहाँ पे। सब कुछ टेंट के अंदर ही है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि होटल तो हम हमेशा ही रहते हैं, बट एक टेंट का भी एक एक्सपीरियंस करते हैं। तो मैंने कहा अच्छी बात है, चलो जी फिर। तो ये कुछ ऐसा व्यू है। एक अलग एक्सपीरियंस, एक अनुभूति, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मज़ेदार। देख पा रहे हो फ्रेंड्स, सारे टेंट्स हैं और बहुत सारी फैमिलीज हैं, बहुत सारे बाइकर्स, टूरिस्ट। बहुत ही सुंदर नज़ारा। और फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो, ये टेंट कुछ अंदर से ऐसा दिखता है। बहुत ही लग्जूरियस था ये टेंट, आई मस्ट से, और बहुत मज़ा किया हम लोगों ने।
तो फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोमांचक, इतना ज़्यादा एडवेंचर मेरे लिए मैंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। और बाय रोड आई हूँ मैं नुब्रा वैली, बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और सच्ची बताऊँ अगर फ्रेंड्स, तो मैं खारदुंगला पास को जब मैंने एक्सपीरियंस किया, ओ माय गॉड, लग रहा था कि इतना मुझे डर लग रहा था, एक खुशी सी हो रही थी और कलेजा मुंह को आ रहा था। और सारे जो मैं तो हैट्स ऑफ करती हूँ जो भी ड्राइवर्स वहाँ पे ड्राइव करते हैं, बहुत इतने मतलब माइन्यूटली, इतना प्रिसिशन से वो ड्राइव करते हैं, हैट्स ऑफ टू देम। बहुत ही अच्छा नज़ारा और खारदुंगला पास तो रियली अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। तो बस आज की वीडियो मैं यही रखती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत बहुत अच्छी लगी होगी आज की वीडियो। सो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं विनीता आपसे अलविदा लेती हूँ, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी।